नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार स्वास्थ्य विभाग में नौकरियों की बहार, इस दिन से करें आवेदन। 11वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीख इस दिन तक बढ़ी। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस पर नीरज कुमार बबलू का बड़ा बयान। सूर्य में पलेगा बिहार का धर्मराज। हार्दिक को T20 की कप्तानी सौंपे जाने पर भारतीय दिग्गज का बड़ा बयान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दिल्ली से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट में शराब पीकर किया हंगामा। दिल्ली से पटना आने वाले एक इंडिगो की फ्लाइट में तीन युवक के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। बता दें कि यह तीनों युवक नशे की हालत में थे। मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही फ्लाइट दिल्ली से उड़ान भरी, ये तीनों युवक के द्वारा हंगामा किया जाने लगा। यात्रियों के समझाने के बाद भी वे नहीं माने और एयर होस्टेस से छेड़खानी करती। वहीं जब इस मामले पर शिकायत दर्ज की गई तो विमान लैंड होने के बाद उन तीन युवकों में दो को पकड़ लिया गया, जबकि एक भागने में सफल हो गया। गिरफ्तार किए गए दोनों युवक खुद को पत्रकार बता रहे हैं। वहीं अब पुलिस के द्वारा तीसरे युवक की तलाशी की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस पर नीरज कुमार बबलू का बड़ा बयान। बॉलीवुड अभिनेता और बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत के मौत के लगभग 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को लेकर उनके बड़े भाई और पूर्व मंत्री सह छातापुर से भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू के द्वारा बड़ा बयान दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक यह खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर सुशांत की मौत हत्या थी या आत्महत्या, लेकिन सुशांत कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। हमारी कही गई बातें ही अब अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाले कर्मी के द्वारा भी कही जा रही है। इससे यह साफ होता है कि पूर्व की सरकार पक्षपात कर रही थी। उन्होंने कहा कि अब यह मामला एक बार फिर से सामने आ गया है तो हमारी उम्मीद फिर से जग गई है। सुशांत की मौत दिशा सल्यान की मौत से कहीं न कहीं कनेक्टेड है। जब दिशा सल्यान की मौत हुई थी तब से ही कुछ न कुछ मामला सामने आने लगा था। अब सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। 11वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीख इस दिन तक बढ़ी। इंटरमीडिएट 11वीं कक्षा सत्र 2022-24 के रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि रजिस्ट्रेशन की तिथि को बढ़ाकर 7 जनवरी से 16 जनवरी तक करवा दिया गया है। हालांकि अब रजिस्ट्रेशन करवाने वाले छात्रों को विलंब शुल्क भी अदा करना होगा। यानी कि वैसे छात्र जिन्होंने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, उनके पास 16 जनवरी तक का आखिरी मौका है। इस दौरान वे विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नियमित कोटि के विद्यार्थी को विलंब शुल्क के साथ 635 रूपए और स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों को विलंब शुल्क के साथ 1,185 रूपए अदा करने होंगे। इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा कार्यालय को बिहार बोर्ड के द्वारा दे दी गई है। स्वीडन में पलेगा बिहार का धर्मराज। 2020 में जन्म देने वाली मां ने जिस बच्चे को सड़क किनारे फेंक दिया था, आज उस बच्चे का लालन पोषण स्वीडन में किया जाएगा। बता दें कि इस बच्चे का नाम धर्मराज है, जिसे बेगूसराय के दत्तक ग्रहण संस्थान में दत्तक ग्रहण की सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वीडन के दंपति डेनियल संजय ओहोलसन और कैटरीना एम्मा को सौंप दिया जाएगा। ये दोनों पेशे से व्यवसायी और पुस्तकालाध्यक्ष हैं। फिलहाल अभी धर्मराज की पासपोर्ट एवं वीजा की प्रक्रिया पूरी हो रही है, जिसके पूरे होते ही वह स्वीडन के लिए उड़ान भर देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते 3 दिनों में बेगूसराय विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में आवासित 4 बच्चों को उनके दत्तक माता पिता को सौंपा गया है, जिनमें से एक धर्मराज भी है। निगरानी विभाग ने की अवैध ढंग से बहाल 33 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज। निगरानी विभाग की टीम के द्वारा पिछले 24 घंटे में वैसे शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है जो अवैध तरीके से शिक्षक बने थे। बता दें कि अवैध शिक्षकों की सूची में कुल 33 शिक्षक शामिल हैं, जिनके खिलाफ निगरानी टीम के द्वारा प्राथमिक दर्ज करवाई गई है। इस दौरान 2 शिक्षक ऐसे भी है जिन्हें बरौनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 33 शिक्षकों के खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें से बैकुंठपुर थाने में 14, मोहम्मदपुर में 10, सिद्धवलिया में 5 एवं बड़ौली थाने में 4 शिक्षकों पर की गई है। बिहार रणजी टीम में भागलपुर के इस खिलाड़ी का हुआ चयन। बिहार रणजी टीम में अब भागलपुर का एक और क्रिकेटर का चयन किया गया है। बता दें कि जिस खिलाड़ी का चयन हुआ है वह भागलपुर जिला सीनियर क्रिकेट टीम के कप्तान वासुकी नाथ है। मालूम हो कि वासुकी नाथ इसी महीने 10 से 13 जनवरी तक गुजरात के गोकुल भाई सोमा भाई पटेल स्टेडियम में होने वाले रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में खेलेंगे। बताते चले कि अब बिहार का 5वां मुकाबला होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वासुकी नाथ को इससे पहले 2014-15 में मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने वाली झारखंड T20 क्रिकेट टीम एवं 2015-16 में झारखंड रणजी टीम में खेलने के लिए चयन किया जा चुका है। राजधानी में शुरू हुई मकर संक्रांति के लिए खरीदारी। मकर संक्रांति में अब कुछ दिन बच गए हैं और ऐसे में राज्य में इसके लिए खरीदारी करने का भी सिलसिला चालू हो गया है। वहीं अगर बिहार की राजधानी पटना की बात की जाए तो पटना में भी लोग मकर संक्रांति के लिए खरीदारी करना शुरू कर दिए हैं। बता दें कि इस त्योहार को देखते हुए तिलकुट के दुकानों में भीड़ देखने को मिलने लगी है, तो वहीं दूध और दही के ऑर्डर में भी होलसेल मंडी में आने शुरू हो गए हैं। वहीं यह अनुमान है कि 10 जनवरी से बाजार में दूध की खरीदारी में और भी तेजी आएगी। इसके साथ ही इस बार लसक मिठा वाला गुड़ का डिमांड काफी बढ़ गया है। इसके अलावा गोली मिठा गुड़ की भी खरीदारी बढ़ गई है।
बिहार स्वास्थ्य विभाग में नौकरियों की बहार, इस दिन से करें आवेदन। बिहार के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के सुपर स्पेशलिस्ट विभाग में 36 सह प्राध्यापक और 25 प्राध्यापक की नियुक्ति होगी। वैसे अभ्यर्थी जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की शुरुआत 20 जनवरी से हो रही है, जो कि 17 फरवरी तक चलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य अभ्यर्थियों को ₹100 देने होंगे, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उम्मीदवारों को ₹25 आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। इसमें आवेदन करने की अधिकतम उम्र सीमा 66 वर्ष निर्धारित की गई है। दानापुर भीटा फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता हुआ साफ। पटना में दानापुर भीटा फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। उम्मीद है कि वर्ष 2025 तक इसे आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस महीने इसके निर्माण के लिए एजेंसी का चयन होने की संभावना है। लगभग 3,146.58 करोड़ रूपए इसकी अनुमानित लागत है, लेकिन 6 जनवरी 2023 को हुए फाइनेंशियल बीट में अशोक बिल्डकॉन लिमिटेड को 2,161 करोड़ रूपए की लागत से निर्माण प्रस्ताव को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि इस फाइनेंशियल बीड में 11 एजेंसियां शामिल हुई थी। अब तकनीकी पहलुओं की जांच कर निर्माण एजेंसी को जिम्मेदारी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सौंपने की घोषणा की जाएगी। पटना से पकड़ा जा चुका है कुंदन का खास दोस्त चंदन। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा नवादा पुलिस की मदद से जिस दो साइबर फ्रॉड को पकड़ा है, उसका खास दोस्त कुंदन को पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उससे बातचीत में पता चला था कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड चंदन है, जिसकी तलाशी में पुलिस के द्वारा छापेमारी भी की गई थी। मालूम हो कि रविवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा नवादा पुलिस की मदद से रजौली थाना क्षेत्र से चंदन और गोपाल को कतरी सराय से 1,10,00,000 रुपए और 16 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद मिली जानकारी के अनुसार चंदन का गिरोह 5 जिलों में एक्टिव है, जिसमें पटना, नालंदा, नवादा, वैशाली और अरवल जिला शामिल है। निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को अब वसूली मन माफिक फीस करनी होगी वापस। राज्य के वैसे निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेज जिनके द्वारा कोरोना काल में छात्रों से मन माफिक फीस वसूली की गई है, उन्हें अब छात्रों से वसूला गया अधिक पैसा छात्रों को वापस लौटाना होगा। इसके लिए सरकार की ओर से फैसला ले लिया गया है। बता दें कि इन कॉलेजों की सूची में 6 मेडिकल कॉलेज और 4 डेंटल कॉलेज शामिल है। मालूम हो कि संस्थान विद्यार्थियों से मनमाफिक फीस की वसूली न कर सके, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर शुल्क निर्धारण समिति गठित की गई है, जो प्रत्येक वर्ष संस्थानों के लिए फीस का निर्धारण करेगी। निखिल आनंद ने प्रशांत किशोर पर लगाया आरोप। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एजेंडे पर चलते हैं, वे उनके ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस हैसियत से प्रशांत किशोर एक फोन पर नीतीश सरकार में शामिल होने का दावा कर रहे हैं, उससे इसकी पुष्टि होती है, क्योंकि इतनी हैसियत से सरकार में शामिल होने का दावा कोई जेडीयू का नेता भी नहीं कर सकता है। प्रशांत किशोर के द्वारा गलती से जो यह खुलासा किया गया है, जेडीयू को इस पर सफाई देनी चाहिए। ललन सिंह ने बताया सीएम नीतीश के पीएम बनने के गुण। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वे सभी गुण बताए हैं जिनसे वह पीएम बनने के उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस योजना को नीतीश कुमार के द्वारा 2015 में लागू किया जाता है, उसी योजना को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2019 में लागू किया जाता है। इस देश में प्रधानमंत्री उसी को होने चाहिए जिसके अंदर देश को आगे ले जाने की सोच हो, बल्कि उसको नहीं जो दूसरों की नकल करके योजना लागू करता हो। पहले बिहार में साइकिल योजना और पोशाक योजना शुरुआत हुई और फिर इसे पूरे देश में भी लागू कर दिया गया। 2018 में हर घर में बिजली पहुंच गई, फिर भारत सरकार ने भी इस योजना को लागू कर दिया। बिहार में हर घर नल जल योजना की शुरुआत हुई तो पूरे देश में भी इसे लागू कर दिया गया। नीतीश कुमार में वे सभी गुण है जिससे वे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब यह फैसला आपको करना है कि पीएम बनने लायक मोदी है या नीतीश कुमार। हार्दिक को T20 कप्तानी सौंपे जाने पर भारतीय दिग्गज का बड़ा बयान। हार्दिक के फॉर्म को देखते हुए और उनकी T20 की कप्तानी सौंपे जाने को लेकर भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर अजय जडेजा ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी विराट कोहली को दे दी थी, ठीक उसी तरह रोहित शर्मा को भी अपनी कप्तानी हार्दिक पांड्या को दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारे पास रोहित शर्मा है जो टीम को लीड कर रहे हैं। उनके रिकॉर्ड से भी पता चलता है कि वे सर्वश्रेष्ठ कप्तान है। जिस तरह धोनी ने विराट को चुना और उन्हें कप्तानी सौंप दी, ठीक उसी तरह मुझे अभी ऐसा लगता है कि रोहित को भी अपनी कप्तानी हार्दिक को सौंप देनी चाहिए। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है।
साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.62 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.25 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोटू रंगीला, असरफी मंडल, नुसरत बन्नू, कुमारी संजना, अशोक कुमार, नन्नू गोलू कुमार, शैलजा कुशवाहा, रोहित कुमार, अर्जुन राम, भान प्रकाश मौर्य, पिंटू यादव, कविता कुमारी, जुबैर अलम, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का दावेदार मानते हैं या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।